या बांग्लादेशी सरकार है कि नहीं है, है कि नहीं है? और ये बैरिकेटिंग पर जो तार लगाया है, यह तालिबानी सरकार है कि नहीं है? तो ये तालिबानी सरकार, ये बांग्लादेशी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी, हेमंत सोरेन जी, अगर हम युवाओं की आवाज आप तक जा रही है तो सुन लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको कुर्सी खाली करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? कौन कराएगा? हम युवा कराएंगे। क्योंकि आपने युवा को पीठ में चूरा भोंका होता तो बात समझ में आती, आपने युवाओं के पेट में भी चूरा भोंकने का काम किया, उनका हक और अधिकार छीन करके झारखंड के युवा के पेट में चूरा भोंकने का आपने काम किया है, उनके मां बाप के सपनों को चकनाचूर करने का आपने काम किया है। और अब हिसाब तो देना होगा, अब हिसाब देना होगा। और ये जो हजारों हजार लोग आए हैं आपसे हिसाब मांगने आए हैं, और अब हम लोग हेमंत सोरेन जी से, सुनिए, हेमंत सोरेन जी से हम लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे, हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। आज ये लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को वीआरएस दिलवाने आए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं? हम लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को वीआरएस दिलवाने आए हैं। कलम आपकी होगी, स्याही आपका होगा, हाथ भी आपका होगा, लेकिन उस हाथ को पकड़ करके आज ये लाखों युवा आपका वीआरएस लेकर के तब हम घर के तरफ जाएंगे, तब हम घर के तरफ कूच करेंगे, तब हम जाएंगे और कहेंगे कि एक निकम्मा और नालायक सरकार को हम लोगों ने सत्ता से, गद्दी से उतारने का काम किया है। इसलिए आज हजारों युवा आक्रोश में आज यहां आए। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई शशांक शेखर जी को कि आपने, आपके नेतृत्व में युवा मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी जी के कुशल अध्यक्षता में यह जो बड़ा संकल्प लेकर के आज हजारों हजार युवाओं को यहां लाने का काम किया है। मुझे लगता है अब दिसंबर के बाद 20-25 साल तक युवा मोर्चा को कोई भी रैली और जुलूस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? हम क्यों बोल रहे हैं? 20-25 साल तक युवा मोर्चा को रैली करना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अभी होने वाला चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे तो 25 साल सरकार को जाने नहीं देंगे, 25 साल सरकार को हिलने नहीं देंगे। भाजपा की सरकार होगी, और जब भाजपा की सरकार होगी तो 25 साल कोई भी आंदोलन नहीं होगा। इसलिए ये 25 साल का आंदोलन का रूपरेखा आज आप लोगों ने यहां रखने का काम किया है। मैं पूरा युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि मेरे साथ इतना जोर से आपका हुंकार होना चाहिए कि ये कटीला तार के साथ साथ हेमंत सोरेन के कान का चदरा भी आज फट जाना चाहिए, फटना चाहिए। आए हैं दूर दूर से तो आवाज में भी बुलंदी होनी चाहिए। तो हम आगे से बोलेंगे और पीछे से आप उसका जवाब दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी, 5 लाख नौकरी आपको देना होगा, 5 लाख नौकरी आपको देना होगा, बेरोजगारी भत्ता 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 आपको देना होगा। सूद नहीं लेंगे 5 साल का, खाली हम लोग को मूलधन दे दीजिए। सूद नहीं लेंगे,
5,000 और 7,000 के महीना से जोड़ करके सब नौजवानों के खाता में डाल दीजिए। हम लोग सूद लेने नहीं आए हैं, सूद आप पर माफ करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, रास्ता में कौन मिला था और यहां कौन रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का कमल झारखंड में खिलने वाला है। जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल और पीजीटी में जो घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इसका सीबीआई जांच कराना होगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह घोषणा करता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो पहला कैबिनेट में पीजीटी और हमारा जो सीजीएल एग्जाम हुए हैं उसका सीबीआई इंक्वायरी पहला कैबिनेट में करा करके दोषी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अब हम केवल पूछेंगे और यह आवाज हेमंत सोरेन जी से आपको पूछना है। हम जब सवाल करेंगे तो आपको एक लाइन बोलना है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, साथ में बोलना है। यह आवाज प्रचंड होना चाहिए। मनरेगा कर्मी का, मनरेगा कर्मी का, पंचायत स्वयं सेवक का, पारा शिक्षक का, मनरेगा कर्मी का, आंगनबाड़ी सेविका का, आंगनबाड़ी सेविका का, आंगनबाड़ी सहायिका का, आंगनबाड़ी रसोईया का, पारा पुलिस का, होमगार्ड का, पोषण सखी का, पोषण सखी का, कृषि मित्र का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, डाटा ऑपरेटर का, पारा मेडिकल का, एएनएम का, जीएनएम का, व्यावसायिक प्रशिक्षित शिक्षक का, कर्मचारियों का, नगर पालिका सफाई कर्मी का, आउटसोर्स कर्मचारी का, पारा शिक्षक का, मनरेगा कर्मी का। हेमंत सोरेन जी, ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है, हम लोग इसका जवाब लेने आ रहे हैं। चल रहे हैं ना, हम लोग चल रहे हैं ना। कानून हाथ में नहीं लेना है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है, हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें सरकार हाथ में लेना है। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें सरकार हाथ में लेना है। तो मेरे साथ बोलिए, प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरा 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 महादेव।